वक्त हम जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने वाले हैं वो है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। हम सीखेंगे आज के क्लास में कि ये 1/2 कहाँ से हम लाते हैं, कॉस 60 डिग्री किस तरह से 1/2 के बराबर है। एक दूसरा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये √3 हम कहाँ से लाते हैं। तो आज हम इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। तो ये है हमारा बोर्ड, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इक्विलेटर ट्रायंगल की। पहले हम इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं। तो इक्विलेटर ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटर ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन जिस ट्रायंगल में ये तीन एंगल्स, जैसे यहाँ पर एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, जिसमें ये तीन एंगल 60 60 60 है, तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ आया होगा इक्विलेटर ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं। इसमें पहली कंडीशन, इसमें साइड से ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा लेंथ में। जैसे यहाँ इस साइड को हम ए रखते हैं, सपोज इसकी लेंथ ए है, इधर भी ए ही होगी इस साइड में, और नीचे भी इसकी लेंथ ए ही होगी, तो इसलिए इसको हम इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी कंडीशन, इसमें ये तीन एंगल्स जो है ये 60 60 होते हैं, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 160 + 60 + 60 इज इक्वल टू 180। तो ये है कंडीशन कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए इस इक्विलेटर ट्रायंगल को यहाँ से एक लाइन डालेंगे या परपेंडिकुलर इसको कहेंगे। ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से क्या हुआ, इसने इस साइड में भी 90 डिग्री बनाया, इसने राइट साइड में भी 90 डिग्री बनाया, और इसने दूसरा काम क्या किया, इसने इस 60 एंगल को ब्रेक किया, इधर भी 30 और इधर भी 30, ये मीडियन बनाया इस एंगल और इस साइड का। तो इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, यह 60 था, लेफ्ट में भी 30 रहा, राइट में भी 30 डिग्री, और ये जो ये साइड पूरा साइड ए था, यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर ये जो हम इसको रखेंगे ऐसे नाम ए बी सी डी, ये ए डी ए बाय टू बना और डी बी ए बाय टू, यानी इस ए को इसने दो टुकड़े किए, इक्वल टू पार्ट्स, ए बी इज इक्वल टू ए, देन ए डी इज इक्वल टू ए बाय टू, इसका हाफ, ए का हाफ इधर, ए का हाफ लेफ्ट साइड में। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाना है वो 60 डिग्री पे दिखाना है। यहाँ पर इस 60 डिग्री पे हम दिखाएंगे कि ये 60 डिग्री पे ये किसके बराबर है, ये 1/2 के बराबर हमें दिखाना है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हम इस राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे ए डी सी। इस राइट ट्रायंगल को यूज करने के बाद हम इन रेशियोज को दिखाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये काम करते हैं राइट ट्रायंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी मशीनरी राइट ट्रायंगल पे काम करती है। तो राइट ट्रायंगल में हमने देखा ए सी इसका हाइपोटेन्यूज है वो ए है, एंड ए डी की बेस से वो ए बाय टू, एंड डी सी इसका परपेंडिकुलर है
वो है मिसिंग, इसको निकालेंगे पहले हम डीसी को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम इस एडीसी में यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज एसी, बेस स्क्वायर, बेस इज एडी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डीसी स्क्वायर, एसी इज ए स्क्वायर एंड एडी, एडी इज ए बाय टू स्क्वायर, प्लस डीसी मिसिंग है, इसको हम निकालेंगे अभी। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमारा ये बनेगा ए स्क्वायर बाय फोर। कैसे? ए का स्क्वायर और टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, प्लस डी सी स्क्वायर। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर को मैं इस साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट साइड में, एंड दिस विल बिकम ए स्क्वायर, इसको इधर लेफ्ट में लाएंगे, माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, इसको मैंने लेफ्ट में लाया और कुछ नहीं किया, इसको इस साइड में लिखा। तो आप दूसरे तरीके भी कैसे भी कर सकते हो ये कैलकुलेशन, ये कोई कंफ्यूज होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, एंड इसको माइनस करेंगे ये बनेगा थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर। तो डी सी बनेगा थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर इसका रूट, क्योंकि इस साइड का स्क्वायर इस साइड में राइट साइड में रूट बनेगा, इधर भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर तो राइट साइड में रूट आता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रूट अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर पर भी है और ये रूट फोर पर भी है। दिस विल बिकम अंडर रूट थ्री ए और ये रूट फोर इज इक्वल टू टू, इधर मैं लिख के रखूँगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कैसे स्क्वायर रूट कैंसल, एंड अंडर रूट ऑफ फोर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमारा डी सी जो निकला अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाय टू, ये निकला हमारा वैल्यू डी सी का, डी सी इज अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाय टू। अब हमें साइन 60 निकालना है, तो हम साइन 60 को अब निकालते हैं, कॉस 60 नॉट साइन 60, साइन 60 हमने ऑलरेडी निकाला है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, फिलहाल हम कॉस 60 को पहले निकालते हैं। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल की बेस चेक करो और हाइपोटेन्यूज चेक करो, बेस इज एडी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो यहां से जब हम देखेंगे AD is A by 2 and AC is A which is equal to A by 2 into A के डिवाइड में 1, 1 by A, तो A A cancel, यहाँ से ये बना 1 by 2, it means cos 60 degree is equal to 1 by। ये था हमारा पहला वैल्यू, ये cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई टू। अब हम tan 60 निकालते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें sin 60 की ज़रूरत पड़ी,
तो हम पहले साइन 60 निकालते हैं. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ट्रायंगल पे जाइए. साइन 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डी सी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. साइन 60 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी सी बाय ए सी. डी सी बाय ए सी, तो डी सी हमारा वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट 3 ए डिवाइड बाय 2, एंड ए सी इज इक्वल टू ए. ए सी इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा वैल्यू बनेगा अंडर रूट 3 ए डिवाइड बाय 2 इंटू इसके डिवाइड में 1. तो ये रेसिप्रोकल में आएगा, ये कैंसल, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2. इट मीन्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2. अब टेन 60 को हम निकाल सकते हैं. साइन 60 इज अंडर रूट 3 बाय 2, एंड कॉस 60 डिग्री इज 1 बाय 2. इसको अब सॉल्व करिए, अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 1, दैट इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3. इट मीन्स टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3. तो यहाँ से हमारा टेन 60 निकला अंडर रूट 3. तो ये था हमारा आज का क्लास कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 2, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3. इसको प्रूव करना था हमें कि ये किस तरह से इसके बराबर. ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, 5-6 बार देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए अपनी रफ पे, आप इसको ईजली कर सकते हो एग्ज़ाम में. लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी.